पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या है यहाँ पर, क्या बात है, डेकोरेशन देख रहे हैं आप एक नंबर गाइस, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। हेलो जी, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, मजा आ रहा है, ब्लॉग्स वगैरह तो रोज आ रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं आते हो, आया करो यार। तो आज हम जा रहे हैं इंदौर, और इंदौर में आज आपको हम दिखाएंगे वो जो फेमस मॉल है ना, वो दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सुना जाता है कि बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो मैंने कहा देख लेते भाई क्या है। तो फिलहाल मैं आज तक एक बार भी उसके अंदर गया नहीं हूँ, तो हम निकल रहे हैं थोड़ी देर से, और मेरे साथ कौन जा रहा है मैं उसको मिलाता हूँ आपसे, एंड देखते हैं कैसा है। मैं सच में आज तक गया नहीं हूँ, ना मैंने देखा है कि कैसा है क्या है। तो जब कोई चीज़ आपने देखी नहीं होती है ना, उसको देखने का बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं चल के कैसा है, एंड तब तक आप लोग लाइक करो एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो टाइम हो रहा है 12:30 बजने वाले हैं और मैं हो गया हूँ रेडी, तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं इंदौर का ये प्यारा प्यारा मॉल। लेकिन बीच में 200 किलोमीटर है, तो पहले हमें वो भी पार करना है, तो चलिए चलते हैं। ओके मामी, आते हैं। क्या चल रही हो ये घड़ा बना रहा है, होती है। घड़ा बनता ना ऐसा धागा। अच्छा चलो ठीक है, आते हैं। हाथी की पूजा होगी आज। आवत है, हाथी की पूजा होगी, हाथी आएगा, असली हाथी। अच्छा चलो आते हैं। आते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं इस खटारा से, ये हमारी प्यारी प्यारी खट्टो खट्टो। तो हम पहुंच गए हैं जहां से हमें जाना है, एंड हम जा रहे हैं इसके साथ। हाय अंशु। हेलो हेलो, मैं दिख भी रहा हूं। हाँ दिख रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है भाई। क्या बात है, चला रहा है ना। चलो बैठेंगे हम थोड़ी देर। तो आज की हमारी यात्रा रहने वाली है इस गाड़ी से, जो कि है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स गाड़ी में बैठते से इतनी स्टाइल मार रहा है। अरे यार अब मत तो करो, अब पापा देखेंगे आके। सफाई कर रहा है गाड़ी की पापा देखेंगे ना तो गंदी क्यों करती है, करता है। अरे अब वो क्या बताए, करती है सीरा। अरे बेल्ट तो मुझे भी लगाना पड़ेगा। हांजी। अभी बैठे बैठे 5 मिनट हुए गाड़ी में इसके, और मेरे को कह रहा है नेटफ्लिक्स में कुछ चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं आप। मेरी हाईटेक कार है, हॉटस्टार भी है, नेटफ्लिक्स भी है, सब कुछ है इसकी गाड़ी में भाई। काफी स्मूथ चल रहा है। ओलंपिक्स भी देखे थे। गाइस भूल चूक माफ, घड़ी मेरी गलत चल रही है, सही टाइम ये है, 1 बज रहा है, मेरी घड़ी बंद थी इतने दिन से। ओके गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं ताज होटल के पास, यहाँ पे हम थोड़ी देर खाना खाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। देख सकते हैं काफी सुंदर, बहुत ही प्यारा। गाइस हम जिस मॉल को देखने के लिए जा रहे हैं, हमें उस मॉल का नाम ही नहीं पता है। आप चैट में बोल रहे थे यार कि नया मॉल घूमेंगे, चल मुझे तो नाम ही नहीं पता उस मॉल का नाम क्या है। 4 घंटा पहले निकले हम इसके लिए। 4 घंटा पहले हम निकला उस मॉल को घूमने के लिए, और मॉल का नाम ही नहीं पता है। बताओ साहब, बताओ साहब, पता करके रखना चाहिए ना। अच्छा चलो जरा मॉल गूगल पे नाम सर्च करते हैं, नाम क्या है, कितना दूर पड़ेगा वो। तो गाइज अभी हम लोग भोपाल से थोड़ा सा बाहर आए हैं, और अब हम ले रहे हैं CNG, और हमारी गाड़ी का एवरेज है 40 का। हमारी कार 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है ना अंशु। 60 की थी अभी तो। अच्छा 60 की थी, इसने भगा भगा के काम कर दी बहुत भगाता है। तो ये करा रहा है फुल टैंक, देखते हैं कितने में होती है फुल टैंक। तरह तरह चलो यार, ये काफी 560 रुपये में फुल टैंक हो गया। देखना अबे धीरे कर ले।
ओके गाइस, तो मौसम बहुत सही हो गया है। भोपाल से जब निकले थे तो धूप हो रही थी और अब देखो बादल ही बादल हो रहे हैं। वाओ क्या बात है, ऐसे ही मौसम रहना चाहिए इंदौर तक, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस हम पहुंच गए इंदौर रोड पे और सीधे जाएंगे तो सीहोर आ जाएगा और लेफ्ट जाएंगे तो इंदौर पहुंचेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सुंदर रोड। ओके गाइस, तो 2:30 बज रहे हैं, बजे नहीं है बजने वाले, और हम इंदौर रोड पे आ चुके हैं इस वक्त। अब हम रुकेंगे डोडी ढाबा पे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं देवास टोल पे, नहीं मतलब देवास टोल नहीं है ये, उसके बाद आएगा उसका, तो अभी ग्रीन वाले में ले लो कोई सा भी, किसी भी पट्टी पे डाल दो। हम जा रहे हैं राइट साइड पे, बच्चे का पहला टोल कैसा लग रहा है, रुक जाना यहाँ पे, लाइट का इंतजार कर। समय था जब वो टॉफी मिलती थी, उसको टॉफी याद आ रही है। बहुत ही बढ़िया, सफलतापूर्वक जीवन का पहला टोल क्रॉस करते हुए अंशुमन सावत, हिस्ट्री में याद रखा जाएगा इस दिन को, इस दिन को इसी नाम से पुकारा जाएगा। तो गाइस मौसम बड़ा सही हो गया है, एकदम बादल हो गए हैं और राइट साइड में देख सकते हैं आप काम चल रहा है, कुछ काम क्या चल रहा है बट पता नहीं। तो अभी हमें और समय लगेगा पहुंचने में। बहुत ही बढ़िया ड्राइव करते हुए अंशुमन। हमारे पीएसटी गेम्स में इन कॉन्स को उड़ाने का मिशन होता था। अच्छा तेरा उनको उड़ाने का मन कर रहा था। ये देखो बच्चे बड़े नहीं हो रहे, 100 रुपए। अंशुमन का वीक पॉइंट है गाड़ी के बगल से निकलने का, यहाँ पे डरता है ये। ये एकदम से निकलना चाहता है या तो एकदम रुक जाता है, ये चीज़ें हो रही है अंशु के साथ यहाँ पे। इस नए नए ड्राइवर्स के साथ में नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। एक तो अद्भुत गाड़ी चला आ रहा है, अब कह रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लैंड हो गए हैं, हमारा हवाई जहाज उतर गया। और क्या? पूरी बच्चे वाली बात है, आगे पीछे कोई गाड़ी वालों से प्यार हो जाता है इसको गाड़ी चलाते चलाते। अभी एक ब्रीजा वाला गया है, कह रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, वो चला क्यों गया? तू रुका ही नहीं खाने पोहा हमारे साथ। देखो उसको पोहा खिलाना है तेरे को। तू रुकना चाहिए रहा है बे। ब्रीजा वाले को पोहा खिलाना है, उसको जानना है पहचान। सो स्वीट। ओके गाइस एक बार फिर से हम आ गए डोडी ढाबा। मैं इसको डोडी ढाबा क्यों कहता हूँ यार, ये ढाबा थोड़ी है। उस दिन मेरे को दोस्तों के साथ आया था, छेड़ा रहे थे सब, ढाबा ढाबा क्यों बोल रहा है तू? पहले ढाबा ही था, मेरी आदत पड़ गई इसको ढाबा कहने की, पहले ढाबा था ये। सही बोल रहा हूँ, ढाबा ही था। गाइस ये देख रहे हो कैसा लग रहा है, घोस्ट राइडर टाइप का, देखना यार इसको कितना धुआं छोड़ रहा है। पूरा घोस्ट राइडर वाली फीलिंग दे रहा है, भूतिया ट्रक। ओके गाइस हम मॉल पहुंच गए हैं और एंट्री कहाँ से है हमें पता नहीं है, ढूंढते ढांढते घुस ही जाएंगे। पहली बार ही आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है भैया, माफ़ कर दीजिएगा अगर गलत वलत घुस जाए कहीं तो। लेकिन आप देखिए ये है यहाँ का जो मॉल है, कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। जाना कहाँ से है पता नहीं है, यहीं से जाएंगे शायद। पूछना पड़ेगा, मॉल का रास्ता यही है ना, मॉल का रास्ता यही है। पूछ पूछ के जा रहे हैं भाई, पता ही नहीं है मॉल है क्या, ये घर लग रहा है तो मेंशन लग रहा है किसी का। जल्दी से चाय पी लो, ठंडी हो गई। बाप रे बहुत बड़ा है, गाड़ी से घूमना पड़ रहा है बताओ मॉल में। वे टू पार्किंग, मुझे तो लग रहा है अंदर जाके बाहर आने का रास्ता भूल जाएंगे। जाते ही जा रहे हैं भाई साहब, यहाँ से एग्जिट होगा? अरे तो बाहर निकाल देंगे हमें। तो चला अंदर से बाहर, पार्किंग
कहाँ जाने ओ माय गॉड ये अब नीचे पहुंचे हैं डिक्की चेक कराएंगे कैसे खुलती है